हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप? आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी आउट द मोस्ट वांटेड टॉपिक डेट वाज रेगुलर है. ये रेगुलर प्लूरल नाउंस. आज हम अपनी वीडियो में रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउंस को पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था. तो आज हम देखेंगे कि ये रेगुलर और इरेगुलर प्लूरल नाउंस क्या होते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट हम पढ़ते हैं रेगुलर प्लूरल नाउंस को, ठीक है ना. तो रेगुलर प्लूरल नाउंस क्या होते हैं? नाउंस डैट बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस आर नोन एज रेगुलर प्लूरल नाउंस. एग्जाम्पल, कैट कैट्स, पोटैटो पोटैटोज. मतलब क्या हुआ कि रेगुलर प्लूरल नाउन वो नाउंस होते हैं जो कि जब हम सिंगुलर एक नाउन होता है और उसको हम एस या ई एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हो, तो उसको हम रेगुलर प्लूरल नाउंस बोलते हैं. जैसे कैट को, कैट का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम उसमें एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि कैट का कैट्स हो जाएगा. तो ये कौन सा नाउन होगा? रेगुलर प्लूरल नाउन होगा. यानी कि जो प्लूरल एस या ई एस लगा के बन जाते हैं उन्हें हम रेगुलर प्लूरल नाउंस कहते हैं. अभी रेगुलर प्लूरल नाउंस क्या होते हैं स्टूडेंट? इरेगुलर प्लूरल नाउंस वो नाउंस होते हैं, नाउंस डैट डू नॉट बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस आर नोन एज इरेगुलर प्लूरल नाउंस. जैसे हाफ, अगर हम हाफ का हाफ्स लिखें तो क्या ये प्लूरल बन जाएगा? हाफ का हाफ्स प्लूरल नहीं बनेगा. अगर हमें हाफ का प्लूरल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें वी ई एस लगाना पड़ेगा. और जब हमने वी ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाया तो वो हमारा कैसा नाउन हो गया? इरेगुलर प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है ना. मैन, अगर हम मैन का मेंस नहीं लिख सकते, मैन को हम मेन लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? इरेगुलर प्लूरल नाउन हो गया. इसके बाद में अगर हम चाइल्ड को कहें तो चाइल्ड का हम चाइल्ड्स नहीं ले सकते बल्कि चिल्ड्रन लिखेंगे. जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन. तो इस तरह से जो चाइल्ड हो गया, चिल्ड्रन हो गया, वो क्या हो गया? इरेगुलर प्लूरल नाउन हो गया. इसके बाद अगर हम माउस को सुने कहें, माउस का भी अगर हम माउसेस लिख देंगे प्लूरल तो वो गलत हो जाएगा. माउस का प्लूरल माइस होता है. तो इस तरह से माउस भी क्या हो गया? इरेगुलर प्लूरल नाउन हो गया. ऑक्स का हम ऑक्सेस नहीं लिख सकते, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन. इस तरह से इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई. तो हम अगर मोटे मोटे शब्दों में कहें कि जिसकी स्पेलिंग चेंज हो जाए, ठीक है ना, स्पेलिंग चेंज होने का मतलब कि इंटायरली चेंज हो जाए. जैसे हम वी एस लगा देते हैं तो बहुत हद तक उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम उसे जो इरेगुलर प्लूरल नाउंस कहते हैं. यानी कि जिसमें एस या ई एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनता, जिन वर्ड्स में एस या ई एस लगा के उनका प्लूरल नहीं बनता है, बल्कि उनमें कुछ या वोवेल से संबंधित, वोवेल से संबंधित चेंजेस करने पड़ते हैं या वी ई एस लगा के चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इरेगुलर प्लूरल नाउन. इसी तरह से हमने पर्सन का अगर पीपल कहा, ठीक है ना, तो पर्सन से जब हम पीपल बनाएंगे तो ये भी हमारा किस तरह का प्लूरल नाउन होगा? ये भी हमारा इरेगुलर प्लूरल नाउन होगा. चलिए अब हम आगे कुछ देखते हैं. जो पिछली बार हमारा कुछ रह गया था पार्ट, वो हम देखते हैं, जिसमें हमने एक बात की थी कुछ सम स्पेशल रूल्स रिलेटेड टू नाउन नंबर्स, ठीक है ना. पिछली बार मैंने आपको वीडियो में बताया था, बट किसी वजह से वो इनकम्प्लीट रह गया था. मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो या तो प्लूरल फॉर्म में हमेशा पाए जाते हैं या सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं. कहने का मतलब, अगर वो सिंगुलर में हैं तब भी वो उसी फॉर्म में रहेंगे और प्लूरल में है तब भी वो उसी फॉर्म में रहेंगे. तो उन नाउंस को ये आप इसे सिक्स्थ रूल भी समझ सकते हैं, मान सकते हैं नाउन नंबर्स का, या फिर सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने का, या फिर आप इसे एक स्पेशल रूल भी मान सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स में अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि हमेशा प्लूरल में पाए जाते हैं. जैसे ट्राउजर्स, सीजर्स, न्यूज़, स्पेक्टेकल्स, बाइनोकुलर्स. तो ये कुछ ऐसे नाउंस हैं जो हमेशा प्लूरल में पाए जाते हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं. इनका स्ट्रक्चर ही प्लूरल होता है, यानी कि जब हम इन्हें सिंगुलर में लिखेंगे तब भी ये प्लूरल फॉर्म में ही हमें दिखाई देंगे और इनकी स्पेलिंग प्लूरल में ही होगी, और जब हम इन्हें प्लूरल में लिखेंगे तब भी इनकी स्पेलिंग प्लूरल में होगी ही होगी, ठीक है ना. तो देखिए, पहला ट्राउजर्स है. ट्राउजर्स का मतलब होता है पैजामा, ठीक है ना. तो पैजामा आपको पता है कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इसलिए इसे ट्राउजर्स बोलते हैं. इनको इसको प्लूरल में लिखते हैं. जब एक पैजामा होगा तब भी हम उसे ट्राउजर्स ही बोलेंगे, और जब बहुत सारे पैजामे होंगे तब भी हम उन्हें ट्राउजर्स ही बोलेंगे. इसके बाद में सेकेंड नंबर आता है सीजर्स. सीजर्स का मतलब होता है कैंची. आपको पता है कि कैंची भी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है ना.
तो इसलिए हम इसे सीजर्स बोलते हैं। अगर एक कैची होगी तब भी हम उसे सीजर्स ही बोलेंगे, और अगर बहुत सारी कैची होंगी तब भी हम उन्हें सीजर्स ही बोलेंगे। इसके बाद में आता है न्यूज़। न्यूज़ का मतलब होता है समाचार, ठीक है ना, खबर, आप सभी को पता है। तो अगर एक न्यूज़ है तो उसको हम न्यू तो नहीं बोलेंगे, अगर हम उसे न्यू बोलेंगे तो उसका तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यू का मतलब होता है नया, तो हम उसका उसे हम सिंगुलर में नहीं चेंज कर सकते। एक खबर होगी तब भी हम उसे न्यूज़ ही बोलेंगे, और बहुत सारी खबरें होंगी तब भी हम उन्हें न्यूज़ ही बोलेंगे। इसके बाद में आता है वर्ड स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, ठीक है ना। तो चश्मे को भी, चश्मे भी आप जानते हो कि उसमें जो होते हैं टू मिरर्स हमारे इंक्लूड होते हैं, तो जब वो टू इंक्लूड उसमें टू मिरर्स इंक्लूड होते हैं तो वो हमारा प्लूरल में ही पाया जाता है। तो स्पेक्टिकल्स जो है जब वो सिंगुलर फॉर्म में होगा तब भी स्पेक्टिकल्स ही लिखा जाएगा, और जब वो प्लूरल फॉर्म में होगा तब भी वो स्पेक्टिकल्स ही लिखा जाएगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म में ही एस बाद में लगेगा। इसके बाद में आता है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब वही होता है जो दूरबीन या जो भी कुछ हिंदी में बोलते हैं वो होता है, और जब वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है तब भी वो बाइनोकुलर्स ही कहा जाता है, लिखाया जाता है, और जब वो प्लूरल फॉर्म में होता है तब भी वो बाइनोकुलर्स ही लिखा जाता है, यानी कि इसकी स्पेलिंग में सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में कोई चेंजेस नहीं होते। इसी तरह से कुछ नाउंस जो होते हैं वो केवल सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं आते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो तब भी वो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, और प्यूरल में हो तब भी वो प्यूरल फॉर्म में ही सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, यानी कि उनकी स्पेलिंग जो है वो सिंगुलर और प्यूरल दोनों में सेम रहती है, सिंगुलर फॉर्म में ही रहती है। जैसे डियर, अगर एक हिरन है, डियर का मतलब होता है हिरन, अगर एक हिरन है तब भी हम उसे डियर ही बोलेंगे, और अगर बहुत सारे हिरन हैं तब भी हम उन्हें डियर ही बोलेंगे। इसके बाद में आता है फिश। अगर एक फिश है, मछली, फिश का मतलब होता है मछली, अगर एक मछली है तो उसे भी हम फिश बोलेंगे, अगर बहुत सारी मछलियां हैं तो उनको भी हम फिश ही बोलेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि फिशेस बोलते हैं, फिशेस बोलना गलत है, उसे भी हम फिश ही बोलेंगे। बाइसन, इसके बाद में आता है बाइसन। बाइसन का मतलब होता है जंगली भालू। अगर एक जंगली भालू है तो जंगली भैंसा, ठीक है ना, तो अगर एक जंगली भैंसा है तो उसको भी हम बाइसन ही बोलेंगे, और अगर बहुत सारे जंगली भैंसे हैं तब भी उन्हें बाइसन ही बोलेंगे। इसके बाद में आता है मूज। मूज जो होती है ये एक स्पीसीज होती है, एक प्रजाति होती है हिरन की, ठीक है ना, तो उसको मूज को जो है हम क्या बोलते हैं, मूज को हम सिंगुलर में भी मूज ही बोलते हैं, और एक यानी कि एक हिरन होगा तब भी हम उसे मूज ही बोलेंगे, और बहुत सारे हिरन की प्रजातियाँ होंगी तब भी, मतलब बहुत सारे हिरन होंगे तो भी उन्हें मूज ही बोलेंगे। इसके बाद में आता है शीप। शीप का मतलब होता है भेड़। अगर एक भेड़ है तब भी हम उसे शीप ही बोलेंगे, और अगर बहुत सारी भेड़ें हैं तब भी हम उन्हें शीप ही बोलेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल से रिलेटेड, नाउन नंबर से रिलेटेड, जो कि आज पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं। अगर आपने इसे पूरी तरह से नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियोस को प्ले करके आप पूरे रूल्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स आगे हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जबकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं या और बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं तब ये रूल्स हमें काम आते हैं, ठीक है ना, या फिर स्पेलिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें ये रूल्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, अगर आपने किसी चीज़ कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी कि अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं ये होप करूँगी कि स्टूडेंट अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, ना कि अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।